वेलकम टू सर कैप्चर क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एवरेज लड़की अपने पर कितना खर्च करती है और एक एवरेज लड़का अपने पर कितना खर्च करता है। ग्रूमिंग की बात करें, देखो लड़कियों की ग्रूमिंग होती थोड़ी महंगी, हेयर कट, हेयर स्पा, थ्रेडिंग, मूछे मुडवाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो 2000 का खर्चा तो ये हो जाता है। बॉयज की ग्रूमिंग में बाल कटा लिए 100 रुपए के, दाढ़ी 50 रुपए की, अगर महीने में दो बार भी करा लिए तो 300 रुपए का खर्चा। स्किन केयर देखो लड़कियों की, बॉडी वॉश, फेस वॉश, विटामिन सी, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, टोनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 2500 का खर्चा तो ये हो जाता है। लड़के साबुन ले लेंगे, एक फेस वॉश और एक, और अगर फेस वॉश और क्रीम देखे तो 500 रुपए की वो और 50 रुपए के साबुन, अगर दो साबुन यूज कर लिए। पर्सनल हाइजीन, लड़कियां अपनी उसकी भी कदर करती है भाई, वी वॉश, उसके बाद पीरियड्स में पैड्स, वेट वाइप्स, जब भी सुसु करने जाती है वेट वाइप्स भी रखती है, तो 1000 रुपए का खर्चा तो वो। लड़के पानी के छींटे मार ले, साबुन लगा ले, वही बड़ी बात है। नेल्स देखो, नेल्स पे भी खर्चा करती है, नेल पॉलिश, नेल एक्सटेंशन का भी आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो 1000 रुपए का खर्चा वो। लड़के नाखून काट ले तो वो भी बड़ी बात है। मेकअप, मेकअप में देखो भाई, वो ब्लश, ब्रशेस, उसके बाद लिपस्टिक, आईलाइनर, फिर वो पेंट पुंट जो होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है भाई, वो 5000 का खर्चा तो ये मान के चलो भाई, मोटा खर्चा। और लड़के देखो, हम होते हैं नेचुरल ब्यूटी भाई, बिल्कुल हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते भाई, जो है वो है 0 रुपये इसमें। अब वैक्सिंग, वैक्सिंग देखो लड़की अपने बाल कटवाती है, महीने में एक आधी बार तो कटवाती होगी, तो 1000 रुपये का खर्चा तो यही मोटा मोटा हो जाता है। और लड़के भाई जैसे हैं वैसे ही ठीक है, 0। एक्सेसरीज की बात करें तो भाई देखो, क्या कहते हैं, झुमका, फिर नोज रिंग, फिर पायल, फिर ब्रेसलेट, फिर गले में वो नेकलेस, उसका खर्चा तुम मान के चलो भाई 2000 का खर्चा मान के चलो। और लड़के मतलब चैन पहन ली तो पहन ली, अंगूठियाँ मतलब जो है वो है 500 रुपये का, आजकल नया शोशा चल रहा है इनका, 500 ये लगा लो। अब अगर टॉवल की बात करें, देखो लड़कियों के पास होते 2 टॉवल, और अगर हम एक टॉवल 250 का माने तो 500, एक मुंह के लिए और एक बॉडी के लिए। लड़के जो बॉडी पे वही मुंह पे लगा लेते हैं 250 का, तुम ये मान के चलो। अंडरगारमेंट्स भाई, लड़कियों के अंडरगारमेंट्स पे भी खर्चे हैं भाई, वो ब्रा, फिर बिकनी, लॉन्जरी, फिर ट्यूब टॉप्स, ऐसा कुछ आता है, पैस्टीस, पता नहीं भाई क्या क्या आते हैं, तो 3000 का तो भाई अंडरगारमेंट्स, ऊपर ऊपर का खर्चा ही भाई। और लड़के भाई वही 3 बनियान, पहने ना पहने बराबर ही है, तो 300 रुपये का खर्चा ये हो जाता है। अभी मैंने इसमें कपड़े नहीं डाले और अभी मैंने इसमें जूते नहीं डाले, वरना लड़कियों का खर्चा तो और बढ़ जाता। तो अगर हम इसमें एवरेज अगर हम कॉस्ट देखें तो लड़कियों का खर्चा टोटल हो जाता है 18000 और वही लड़कों का हो जाता है कोई 2100। तो देखो, अगर तुम किसी लड़की को गोल्ड डिगर बोल रहे हो तो भाई तुम गलत हो। अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढना जो अपने ये खर्चे उठा सके, या तुम इतने काबिल बनो कि किसी लड़की के इतने खर्चे उठा सको अगर तुम उसको हाउसवाइफ बनाना चाहते हो। समझ आ गए भाई? अच्छा है भाई, इस जन्म में लड़का ही हूँ, लड़की नहीं हूँ, बहुत मुश्किल है भाई लड़की होना।